दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो मोस्टली प्रेग्नेंट महिलाएं डॉक्टर से पूछने में हिचकिचाती हैं और वह किसी से पूछ भी नहीं सकती हैं। जैसे कि प्रेग्नेंट होते ही उनके मन में होता है कि प्रेगनेंसी में कब रिलेशन बना सकते हैं और कब नहीं, और प्रेगनेंसी के कौन से महीने में रिलेशन बनाने चाहिए और प्रेगनेंसी के कौन से महीने में रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। और साथ ही में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रिलेशन बनाते समय आपके गर्भ के अंदर शिशु कैसा महसूस करता है, उसे कैसा फील होता है, और क्या प्रेगनेंसी में रिलेशन रखने से बच्चे के सर में कोई दिक्कत आती है। ये सवाल हर गर्भवती महिलाओं के मन में होता है, क्या प्रेगनेंसी में रिलेशन रखने से बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में आज देखेंगे। चलिए जानते हैं एक एक करके आपके सारे सवालों का जवाब। आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी में कब रिलेशन रखने से बचना चाहिए। अगर आपका पहला मिसकैरेज हुआ हो तो आप रिलेशन बनाने से बचें, क्योंकि हो सकता है आपको कोई परेशानी आ जाए, इसलिए आप रिस्क ना लें। दूसरा, अगर आपके पेट में दर्द रहता है तो भी रिलेशन बनाने से आपको बचना चाहिए। तीसरा, अगर आपके गर्भ में जुड़वा या उससे ज़्यादा बच्चे हों तो रिलेशन बनाने से आपको बचना चाहिए। अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है तो भी आपको रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। और अगर आपकी पहली डिलीवरी प्रीमैच्योर हुई हो, समय से पहले हुई हो, तो भी आपको रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। और अगर आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है तो भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर कोई और भी प्रेगनेंसी से जुड़ी कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रेगनेंसी में हो रही हैं तो भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आइए अब जानते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के दिनों में रिलेशन बनाने चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब है, प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर तक रिलेशन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर यानी प्रेगनेंसी के सातवें, आठवें और नौवें महीने में ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपका पेट काफ़ी निकल चुका होता है, जिससे पेट में दबाव पड़ने से एमनियोटिक फ्लूइड की थैली फट सकती है, जिससे आप और आपके शिशु को खतरा हो सकता है। लेकिन आप अगर कंफर्टेबल हैं रिलेशन बनाने के लिए तो आप इन महीनों में भी रिलेशन बना सकती हैं। लेकिन बस ध्यान रहे, पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। आप उतनी देर ही रिलेशन में रहें जितनी देर आप कंफर्टेबल फील करें। अगर आपको दर्द हो रहा है रिलेशन रखने से आपको तब बचना चाहिए। लेकिन अगर आपको दर्द, थकान या फिर कोई परेशानी नहीं है तो आप रिलेशन बना सकती हैं। आइए अब जानते हैं क्या प्रेगनेंसी में रिलेशन रखने से शिशु को नुकसान पहुंचता है, बच्चे के सर में कोई परेशानी आती है, और बच्चा रिलेशन के समय क्या फील करता है। दोस्तों एक रिसर्च में साबित हुआ है कि रिलेशन बनाते समय शिशु ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा एक्टिव फील करता है, और जिसकी वजह से माँ को ज़्यादा बेबी की मूवमेंट महसूस हो सकती हैं। और रिलेशन के समय बेबी को गर्भ में थोड़ा सा टाइट यानी कसाब महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलेशन बनाते समय यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन इसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो इसमें डरने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है, और आपका शिशु आपके गर्भ के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित होता है। आप उसे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बच्चा रहता है और गर्भाशय की मजबूत मांसपेशियां और थिक म्यूकस प्लग की लेयर के कारण आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को बाहर की तरफ से जो प्रेशर अप्लाई होता है उसका कोई भी नुकसान बच्चे तक नहीं पहुँचता है, और बच्चे के सर में भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आती है। इसलिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर लेशन बनाते समय आपको अधिक दर्द होता है और ब्लीडिंग होती है और आप अनकंफर्टेबल फील करती हैं तो लेशन नहीं बनाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइज।